हम हमेशा अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लगता है हम जहाँ है वहाँ बिलोंग नहीं करते। ऐसे में किसी एक राइट पर्सन के साथ होना हमें एहसास दिलाता है कि जो भी है यही है, हम यहाँ इसके साथ बिलोंग करते हैं। इसी थीम को लेकर आज की हमारी मूवी फॉलन आती है। यह एक्चुअल में एक फैंटेसी रोमांस बुक्स थी जिसके एडेप्टेशन है। मूवी की स्टोरी सिर्फ एक बुक पर बेस्ड है और बुक सीरीज की जो एंडिंग है ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है कि जब लाइट नहीं था तब इस वर्ल्ड में एंजल्स थे। पहले डार्कनेस हुआ करता था पर एक ही मोमेंट में सब कुछ ब्राइट हो गया, ब्यूटीफुल सा हेवन बना, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। पर ये ज्यादा टाइम तक टिका नहीं। गॉड्स में से एक का नाम था लूसीफर। उसने सबके खिलाफ रिवॉल्ट किया और वो डेविल बन गया। गॉड्स और डेविल इनमें एक वॉर स्टार्ट हो गई। हेवन के सब एंजल्स को साइड चूज करनी पड़ी। इनमें से एक एंजल ने कोई भी साइड चूज नहीं की। उसे लगा कि प्यार ही एक चीज है जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए। जब उसने साइड नहीं ली तो सबको गुस्सा आ गया, उसे हेवन से निकाल दिया गया और ये सब लोग अर्थ पर आ गए। उस एंजल के साथ अब तक जिन एंजल्स ने चूज नहीं किया था ये सब एंजल्स नीचे गिरे। इन सब को फॉलन बुलाया जाता है, यही हमारे मूवी का टाइटल है। जब तक रेबल एंजल चूज नहीं कर लेता उसे लूसीफर के पास जाना है या गॉड के पास, तब तक सब एंजल्स अर्थ पर ही रहेंगे। इस स्टोरी के बाद प्रेजेंट में हमारी मूवी स्टार्ट होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके पेरेंट्स स्वॉर्ड एंड क्रॉस एक बोर्डिंग स्कूल में छोड़ रहे थे। इसका नाम है लुसिंडा और सब लोग उसे लूसी बुलाते हैं। ये स्कूल कोई भी नॉर्मल स्कूल नहीं था। इंस्ट्रक्टर ने लूसी से बात की तो हमें पता चला कोर्ट अपॉइंटेड लड़के हैं, यानी जिन्होंने कुछ क्राइम किया है और सोसाइटी में सही से रह नहीं पाते। ये सब टीनेजर्स यहाँ आकर पढ़ते हैं। यहाँ पर एक अलग सेशन भी है, यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम की वजह से लूसी यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हुई थी, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इंटर होते हुए ही लूसी से सब फोन्स वगैरह निकाल लिया जाता है। लूसी जब इंस्ट्रक्टर से बात कर रही थी तभी पुलिस एक लड़के को पकड़ कर लेकर आए। यह हमारा और एक कैरेक्टर है और इसका नाम है कैम। लूसी कैम से इंट्रिक थी तो एरियन उसे कहती है उससे तुम जरा दूर रहना, वो ट्रबल क्रिएट करता है। एरियन लूसी को उसका रूम दिखाती है। उसे लगा था लूसी को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं, पर जानने के बाद वो सरप्राइज थे क्योंकि लूसी बहुत ही नॉर्मल लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूसी अपने थेरेपिस्ट के पास थे। वो उसे कहता है तुम्हारे हेलुसिनेशंस कैसे है, यानी कि लूसी को कुछ ना कुछ चीजें दिखती रहती है। इस प्रॉब्लम की वजह से ही वो स्कूल में आई है। थेरेपिस्ट ने कहा कि जब तक तुम तुम्हारी मेडिकेशन लेती हो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, अगर तुम चाहो तो नॉर्मल लाइफ जी सकती हो, पर लूसी को यह सही नहीं लगता। लूसी को लगता है कि वो नॉर्मल है और ये हेलुसिनेशंस ये किसी और चीज का पार्ट है, इसी वजह से वह मेडिकेशन लेने से मना करती है। इसके बाद लूसी लाइब्रेरी में आई, वहां एक लड़का पढ़ते पढ़ते सो गया था। लूसी ने उसे देखा तो बहुत ही सरप्राइज थे, उसे लगा कि वो इसे जानती है, कहां से जानती है उसे समझ में नहीं आया। यह हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है डैनियल। लूसी को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हॉलवे में एक लड़की लूसी के पास आकर उसे धक्का दे देती है। इसका नाम था मेरी। उसे कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो, सारा वर्ल्ड तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करता है। लूसी तो उसे जानती भी नहीं थी, ये बात उसे बताती है। मेरी कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम एक मर्डरर हो। ये बात सुनते ही लूसी को अपना पास्ट याद आता है। इसमें हम एक घर जलता हुआ देख सकते हैं, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। लूसी मेरी से लड़ना नहीं चाहती थी पर मेरी मानी नहीं, लूसी ने उसे पुश कर दिया। तभी उनके टीचर वहां आ गए, इस बात की वजह से लूसी को ही पनिश कर दिया गया। जब वो वॉशरूम में थी तो एक लड़की लूसी से मिलने के लिए आई। ये लड़की मजाक में उसे कहती है विदाउट हॉल पास तुम्हें यहाँ आना अलाउड नहीं है। लूसी को समझ में नहीं आया, लूसी इस मजाक से भी डिस्टर्ब हो गई थी तो लड़की उसे अपोलोजाइज करती है। पेन ने लूसी से कहा कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मैंने तुम्हें डरा दिया, अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंड्स बन सकती है। लूसी भी एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे लूसी जब क्लास में आई तो फिर से डैनियल को नोटिस करती है, वो कुछ ड्राइंग कर रहा था। उसकी फीलिंग जा ही नहीं रही। मूवी के स्टार्ट में जो स्टोरी हमें बताई गई थी आज क्लास में भी वही स्टोरी चल रही थी। टीचर बताती है
जिस एंजल ने चूज नहीं किया वो एक ह्यूमन के प्यार में था, इसी वजह से उसे कास्ट आउट कर दिया गया। लूसी को इस स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टीचर कहती है तुम्हें चर्च में तो सब कुछ बताया गया होगा। लूसी कहती है कि मेरे पेरेंट्स रिलीजियस नहीं थे, वो बैप्टाइज भी नहीं, यानी कि होली वाटर उस पर स्प्रेड नहीं किया गया। ये बात सुनकर डैनियल और उसके फ्रेंड सब लोग सरप्राइज्ड हो गए थे, जैसे कि कुछ बहुत बड़ी चीज हुई हो। क्लास के बाद लूसी जब ग्राउंड पर काम कर रही थी तभी अचानक से इनके स्कूल का बड़ा सा स्टैचू डायरेक्टली उस पर गिरने वाला था। डैनियल ने देखा, उसे बचा लिया। एक दूसरे के करीब थे तो लूसी को फिर से कुछ बात याद आई थी। ये क्या था वो समझ नहीं पाई। यहाँ इस हॉस्टल में बहुत कड़े रिस्ट्रिक्शंस है। लूसी अपने पेरेंट्स को मिस करती है। एक वीक में सिर्फ एक ही बार उन्हें कॉल कर सकती है। तो पेन ने उसे कहा तुम मेरा टाइम यूज कर सकती हो। एक्चुअली पेन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और ये दोनों उसमें इंटरेस्टेड नहीं, तो किसी को भी कॉल नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैम लूसी को खिड़की से देख रहा था। उसके पास मेरी आई, कहती है क्या तुम उसे प्यार करने लग गए हो? ऐसी मिस्टेक मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। तुम किसके लिए काम करते हो यह हमेशा याद रखना। आज क्लास में लूसी ने डैनियल को अप्रोच किया। वो कहती है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कहीं से जानती हूँ। डैनियल कहता है अगर हम मिले होते तो मुझे याद होता। उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। क्लास खत्म हुआ और इनकी डेट भी यही खत्म हो गई। इसके बाद इनका स्वॉर्ड फाइटिंग का क्लास था। लूसी के अपोजिट में मैरी थी और लूसी इसमें हार गई। इसके बाद उसका पार्टनर डैनियल बना। डैनियल से लड़ते हुए ही फिर से उसे मेमोरीज आना स्टार्ट हो गया। इन मेमोरीज में वो स्वॉर्ड से ही लड़ रही थी। उसने लाइफ में कभी भी स्वॉर्ड फाइटिंग नहीं की थी और फिर भी डैनियल से बहुत देर तक वो लड़ती है। इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। डैनियल ये देखता है और वो भी सरप्राइज था। इस फाइट के बाद लूसी अपने फ्रेंड को डैनियल के बारे में बताती है। पेन कंप्यूटर्स में बहुत अच्छी है। उसने डैनियल की फाइल पढ़ी थी जिसमें कुछ भी नहीं था। उसे भी बहुत ही अजीब लगता है। आज रात एक पार्टी थी जहां पर लूसी पेन को लेकर आई। यहाँ कैम लूसी के पास आया, कहता है मैं वंडर करता हूँ तुम यहाँ कैसे। लूसी ने कहा कि जितनी मैं इनोसेंट लगती हो शायद उतनी हूँ नहीं। इस पार्टी में पेन को एक लड़का अप्रोच करता है, इसका नाम है टॉड। टॉड को पेन बहुत ही कूल लगती है। पेन को लाइफ में किसी ने इस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसे अच्छा लगा। इन दोनों ने बातें की, उनके सब इंटरेस्ट सेम थे। पार्टी में जब लूसी अकेली थी मैरी उससे फिर से मिली, कहती है या तुम्हें अभी भी शैडोज दिखती है? जिस लड़के को तुमने मार डाला या अभी भी उसके बारे में तुम सोचती रहती हो? इन सब बातों से लूसी बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। कैम उसके पास आया और मैरी से दूर लेकर गया। डैनियल को कैम के लूसी के साथ होना सही नहीं लगता। इस पर इनका झगड़ा हो जाता है। लूसी इन सब बातों से डिस्टर्ब हो गई थी, उसे रात में बुरे सपने ना आए इसलिए अपना मेडिकेशन कंटिन्यू करती है। एक दिन जब वो स्विमिंग कर रही थी तो उसके साथ पूल में डैनियल भी था। लूसी ने कहा मैं इस बात को छोड़ ही नहीं पा रही, मैं 100% तुम्हें पहचानती हूँ। डैनियल कहता है ये कोई कोइंसिडेंस होगा। उसे इग्नोर करता है इसलिए उसने उसे सॉरी कहा। डैनियल उसे समझाता है एक लड़की है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, अब वो उसके साथ नहीं, फिर भी उसके साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब कहकर फिर से उसने लूसी को इग्नोर कर दिया। मेरी को लूसी के बारे में सब कुछ पता था तो लूसी को लगा पेन ने उसे सब कुछ बताया होगा। उस पर वो बहुत ही अपसेट थी। पेन कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। लूसी पेन से कहती है मुझे और भी ज़्यादा शेडोज दिख रही है, अब हुआ क्या था यह हमें पता चलेगा। लूसी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था ट्रेवर। एक दिन वो पार्टी में मिले जहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। उस दिन लूसी का बर्थडे भी था। ट्रेवर उसे अपनी कैबिन में लेकर गया। ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे तभी लूसी को अचानक से शैडोज दिखने लग गए। इन शैडोज की वजह से पूरे घर को आग लग गई थी। लूसी तो बाहर आ गए पर ट्रेवर की अंदर ही डेथ हो गई। इसके बाद उसे जब भी शैडोज दिखती है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लूसी को लगता है कि उसका कोई भी फ्रेंड होना नहीं चाहिए, वो सबको डेंजर में डाल देगी। पेन ने कहा जो भी है मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। पेन उसे कहती है तुम्हें फ्रेंड की बहुत ही जरूरत है, इस सब से तुम्हें अकेला नहीं गुजरना चाहिए। फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने दो। इनकी फ्रेंडशिप यहाँ से और भी अच्छी हो गई थी। नेक्स्ट डे जब इनका क्लास था तो फिर से एंजल गॉड्स इन सब की स्टोरी सुनाई जा रही थी।
इन सब से एरियन बहुत ही तंग हो गए, वहां से चली गई। क्लास खत्म होने के बाद लूसी अपनी कुछ चीजें भूल गई थी। यही लेने के लिए जब वो फिर से गई तो डैनियल और टीचर ये दोनों बात कर रहे थे। डैनियल कहता है लूसी को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये सब बात उसने सुन ली थी। वो यहाँ थी ये किसी को पता ना चले, इसलिए वो बाहर आ गई। फिर भी डैनियल उसे नोटिस कर लेता है। चलते चलते डैनियल का ड्रॉइंग लूसी को मिल गया। ये भी बहुत ही जाना पहचाना सा था। इस ड्रॉइंग की कैरेक्टर ये भी लूसी की तरह ही दिखती है। डैनियल उसके पीछे पीछे आ गया, उसे लूसी से बात करनी थी। लूसी पूछती है ये ड्रॉइंग कैसा। कहता है कि मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ, उसे अब तक इसका एंड कैसा होगा ये पता नहीं है। लूसी इंटरेस्टेड हो गई तो उसकी स्टोरी पूछती है। वो कहता है कि एक लड़का और लड़की मिलते हैं। जब भी वो पैर में पड़ते हैं, फर्स्ट टाइम किस करते हैं, तभी लड़की की डेथ हो जाती है। इन पर एक बड़ा कर्स है। उस लड़के को उस लड़की का फिर से 17 साल तक वेट करना पड़ता है। इस टाइम में वो थोड़ा भी एज नहीं होता। फिर से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर से फर्स्ट किस पर लड़की की डेथ हो जाती है। ये साइकिल सेंचुरी से चलता आ रहा है। हर बार लड़की का पुनर्जन्म होता है और 17 साल तक वो लड़का उस लड़की का वेट करता है। उस लड़के ने इस साइकिल को ब्रेक करने का बहुत ट्राई किया पर कभी भी कर नहीं पाया। लूसी पूछती है जिस लड़के से तुम प्यार करते हो या उसी के बारे में है। डैनियल कहता है कि वो एक इंस्पिरेशन है। डैनियल की ड्राइंग में लूसी की ड्राइंग बनी हुई थी तो इसके बारे में उसे पूछती है। डैनियल ने कहा मेरे नॉवेल की मेन कैरेक्टर, इसका फेस तुम्हारे जैसा है। मैंने तुम्हें ड्रॉ तो किया पर तुम्हारी आंखें ड्रॉ नहीं कर पाया। तुम्हारी आंखों में कुछ तो अलग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लूसी कहती है तुम कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हो। डैनियल की ड्राइंग पेरिस की थी तो लूसी ने कहा कि मैं कभी भी वहां नहीं गई पर लगता है वहां जाकर आई हूँ। वहां के स्ट्रीट के फ्लावर सेल करने वाले आदमी को भी मैं जानती हूँ, उसके पास एक डॉग है ये भी मुझे याद है। डैनियल ने कहा काश तुम जो चाहती वो मैं तुम्हें बता पाता। ये कहकर वो चला गया। आज रात लूसी का बर्थडे था तो उसके पास कैम आया। वो कहता है मेरे साथ चलो, तुम्हें जो भी आंसर चाहिए ये सब कुछ मैं बताऊंगा। उसने उसके लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस लाया था, एक नेकलेस गिफ्ट किया। इसके बाद एक क्लब में आ जाते हैं। क्लब में लूसी डैनियल से पूछती है हम यहाँ कर क्या रहे हैं, पर इस बात को टाल देता है। लूसी के हर क्वेश्चन को टालने की उसके पास ट्रिक है। वो उसे कहता है आज सिर्फ हम एंजॉय करते हैं। पास आकर वो लूसी को किस करने लग गया। यहाँ पर डैनियल भी पहुंच चुका था। वो कैम को लूसी से दूर लेकर गया। वो कहता है कि जो भी तुम कर रहे हो ये सब कुछ स्टॉप कर दो, मुझे पता है तुम अब भी लूसीफर के लिए काम करते हो। कैम ने कहा तुम उसके लिए सही नहीं हो। इनका झगड़ा देखकर लूसी वहां से चली गई। वो फिर से वंडर करती है उसके जो विजन्स है उसे इतने रियल क्यों लगते हैं। उसने फिगर आउट कर लिया है इस सब कुछ डैनियल से कनेक्टेड है पर उसे कुछ भी नहीं बताता। इन सब बात को लेकर वो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगती है। पेन का टॉड अब बॉयफ्रेंड बन चुका था। ये सब लाइब्रेरी में आए और डैनियल की फोटो लेकर ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर में डालते हैं। इन्हें लग रहा था डैनियल के बारे में उन्हें कुछ तो पता चलेगा। इसका रिजल्ट आया तो डैनियल की सेंचुरीज पुरानी फोटो है। ये सब सरप्राइज थे कि ये कैसे पॉसिबल है। इन्होंने और भी फोटोज देखे जिसमें डैनियल और लूसी ये पास्ट लाइफ में एक साथ है। यही सब देखते हुए अचानक से लूसी को शेडोज दिखने लग गई। फिर इसे पूरी लाइब्रेरी में आग लग गई। डैनियल तो लूसी पर नजर ही रख रहा था, इसी वजह से उसे यहाँ से वो बचा लेता है। लूसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस आग में टॉड की डेथ हो चुकी थी। लूसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसे लग रहा था कि उसी की वजह से आग लगी। उसकी फ्रेंड भी रो रही थी। पेन ने उसे कहा कि प्लीज ऐसी कुछ भी बात मत करो, एक दूसरे को सहारा देती है। रात में लूसी ने खिड़की से नोटिस किया कि डैनियल अब भी उस पर नजर रख रहा था। उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसके पास आके कहती है तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते पर मुझे हमारी पास्ट लाइफ के बारे में हमेशा विजन्स आते रहते हैं। सब लोग मुझे पागल समझते हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ क्या मैं सचमुच में पागल हूँ। वो बैल्कनी के ऊपर खड़ी हो गई, वहां से डायरेक्टली जंप मार देती है। डैनियल जल्दी से अपनी विंग्स खोलकर उसे बचा लेता है। डैनियल वही एंजल है जिसने प्यार के लिए हेवन भी छोड़ दिया था। उसने हेवन और हेल के बीच में चॉइस नहीं की क्योंकि हमेशा उसे लूसी के साथ रहना था। लूसी आग खोलती है तो डैनियल कहता है मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। डैनियल के गले में एक लॉकेट था जिसमें उसकी और लूसी की फोटो थी।
लूसी ये बात समझ नहीं पाए। उसके पास सब शैडोज आने लग गई थी। डैनियल कहता है कि इसे डरो मत, ये शैडो सिर्फ ऑब्जर्व करती है। तुम्हारी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये सब इनमें रिकॉर्डेड है। इन शैडोज में लूसी ने उसकी सब मेमोरीज देखी। सेंचुरी से वो डैनियल के साथ है, उनके सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स इस शैडोज में वो देख सकती है। डैनियल ने लूसी को जो स्टोरी बताई थी ये लूसी के बारे में ही थी। हर 17 साल में लूसी उसके पास आ जाती है। जब वे फर्स्ट किस करते हैं उसके बाद ही उसकी डेथ होती है। डैनियल को लगता है इस बार सब कुछ सही होगा। लूसी की आंखें इस बार कुछ अलग है। बचपन में उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ था, शायद यही रीजन है। ये दोनों अब किस करने वाले थे तभी कैम वहां आ गया। लूसी को कहता है तुम्हारी डेथ हो जाएगी, मेरे साथ चलो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो डैनियल पर भी चिढ़ गया था, कहता है तुमने उसे सब कुछ क्यों नहीं बताया। लूसी को अब डिसाइड करना था, कैम के साथ वो सेफ रह सकती थी या फिर डैनियल के साथ एक चांस ले सकती थी। वो डैनियल को ही चूज करती है। इन्होंने किस किया पर इस बार लूसी को कुछ भी नहीं हुआ। इनका कर्ज ब्रेक हो चुका है। कैम और उसके फ्रेंड्स जो सब एंजल्स है ये बात देखकर डर जाते हैं। अब कर्ज ब्रोक हो चुका है, इसका मतलब है लूसीफर को बहुत गुस्सा आएगा। वो इन सब से बदला लेने के लिए आ सकता है। कैम लूसी को लेकर जाना चाहता था। यहाँ पर इनकी टीचर भी आई जो भी एक फॉलन है। डैनियल टीचर को लूसी को लेकर जाने के लिए कहता है। डैनियल और कैम में एक बड़ी सी फाइट हुई जिसमें स्टॉर्म आ गया था। स्काई में फ्लाई करते हैं इनका पूरा स्कूल इन्हें देख रहा था। लूसी के पास पेन आई, तभी टीचर पेन का गला काट देती है। जल्दी से डैनियल के फ्रेंड पेन के पास आए और उन्होंने उसे बचा लिया। टीचर ने लूसी से कहा तुम एक रीजन हो जिस वजह से डैनियल हेवन में नहीं जा सकता। इस बार साइकिल टूट चुका है, अगर लूसी की डेथ हुई तो ये परमानेंट होगी। डैनियल फिर कुछ ना कुछ तो चूज कर पाएगा। अब टीचर लूसी को मारने वाली थी तभी डैनियल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पहुंच गया। कैम और डैनियल एक ही चीज चाहते थे, लूसी को प्रोटेक्ट करना। सिर्फ कैम का रीजन कुछ अलग था। डैनियल को देखकर उसकी टीचर वहां से गायब हो गई। लूसी ने डैनियल से कहा मैं मेरी पूरी लाइफ सिर्फ अपने आप को ही ढूंढती रही। मुझे लगता था कि मैं कहीं भी बिलोंग नहीं करती। तुम्हारे पास रहकर मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे अब भी क्वेश्चंस है पर मैं तुम्हारे साथ ही बिलोंग करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा के लिए करती रहूंगी। इसके बाद डैनियल ने लूसी को उठाया और अपने विंग स्प्रेड कर उसे सेफ जगह पर लेकर गया। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है, पर ये सिर्फ इस सीरीज की स्टार्टिंग थी। ये मूवी फर्स्ट बुक पर बेस्ड थी पर फिर भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। अब आगे बुक्स में क्या होता है इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मूवी के लास्ट में लूसी को अभी अभी अपनी आइडेंटिटी मिली है। वो फिर हर चीज को क्वेश्चन करने लग जाती है। उसे जो भी शैडोज दिखती है उसके बारे में उसे और भी चीजें पता चली। वो अपने कर्स को लेकर वंडर करती है। हर बार वो डैनियल के प्यार में पड़ेगी फिर भी उसकी डेथ हो जाएगी। इस बार ये साइकिल तो टूट चुका है पर वो वंडर करती है कि उसे कर्स था क्या, इसी वजह से वो डैनियल से प्यार करती थी। उसे अपनी शैडो की पावर के बारे में पता चला। इन शैडोज में छुपकर वो टाइम में अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर सकती है। सब फॉलन एंजल्स और डैनियल के बीच में लड़ाई हो गई थी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लूसी उन शैडोज में टाइम में अलग अलग जगह पर गई। वो हर सेंचुरी में अपनी लव स्टोरी को नोटिस करती है। उसने देखा कि अपने हर जन्म में वो डैनियल से बहुत ही अट्रैक्टेड थी। डैनियल ने कभी भी इस बात का फायदा नहीं उठाया, उसने हमेशा उससे प्यार किया। वो लूसी का प्यार डिजर्व करे इसलिए हमेशा उसने एफर्ट्स डाले थे। इसके बाद लूसी को कन्फर्म हो गया कि जितना प्यार वो डैनियल से करती है उतना ही प्यार डैनियल भी उससे करता है। वो जब इन शैडो से वापस आए तो फिर से डैनियल से मिली। ये दोनों मिलकर अब फिर से इस कर्ज को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, यानी उन्हें कोई भी ट्रबल ना आए। लूसीफर फिर से लूसी को मारना चाहता था, इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअल में लूसी कोई भी ह्यूमन नहीं है, वो भी पहले गॉड्स के साथ एंजल हुआ करती थी। लूसीफर और लूसी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर लूसीफर के लिए कभी भी प्यार इनफ नहीं था। उसे पूरे हेवन का कंट्रोल चाहिए था। उसकी ग्रीड की वजह से उसने लूसी को भी हर्ट कर दिया, इसी वजह से लूसी ने उसे छोड़ दिया। डैनियल ने हमेशा लूसी से प्यार किया था तो लूसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इन सब बातों की वजह से लूसीफर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया। डैनियल ने भी कोई भी साइड नहीं ली, उसने भी लूसी को चुना। लूसीफर ने फिर इन पर कर्ज डाल दिया।
ये कर्स एक्चुअल में डैनियल के लिए नहीं तो लूसी के लिए था। लूसीफर कभी भी लूसी का प्यार सक्सेस हो ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे कर्स किया। अब फिर से डैनियल और लूसी इन सब चीजों को फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अब पूरा साइकिल ब्रेक हो चुका था, तो लूसीफर का प्लान था कि वो पूरे टाइम को ही बर्बाद कर देगा। इस वजह से डैनियल और लूसी कभी भी मिल नहीं पाएंगे। इसी चीज को लेकर कॉर्स और लूसीफर इनमें फिर से फाइट हुई। ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो इसी वजह से डैनियल और लूसी ये गॉड्स के सामने आए। यहाँ पर लूसीफर भी था। इन दोनों को फिर से पूछा गया कि आप किसको चूज करना चाहते हो। अगर इन्होंने किसी को चूज किया तो एक साथ रह सकते हैं। ये दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे को चूज करते हैं, वो हमेशा प्यार के लिए जीना चाहते हैं। सबने मिलकर फिर इस पर सोल्यूशन निकाला। लूसीफर हमेशा से चाहता था कि डैनियल और लूसी इनका प्यार कभी भी अमर ना हो। गॉड कहते हैं कि डैनियल और लूसी अब एज अ मॉर्टल फिर से अर्थ पर जाएंगे। इस बार जब वो फिर से जन्म लेंगे तो एज अ मॉर्टल पूरी जिंदगी जिएंगे, बूढ़े होंगे, उसके बाद उनकी डेथ होगी। लूसीफर भी इस बात के लिए मान गया। इसके बाद इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ और 17 साल बाद लूसी और डैनियल ये फिर से मिलते हैं। पर इस बार सब कुछ नॉर्मल था। एक नॉर्मल से स्कूल में वो मिले। लूसी को भी कभी भी शैडोज वगैरह नहीं दिखती थी। लूसी को कुछ भी याद नहीं था, पर फिर भी फर्स्ट टाइम फिर से मिलने के बाद वो डैनियल से कहती है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। यही मूवी में इनका फर्स्ट डायलॉग था और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी फिर से स्टार्ट होती है। इस बार इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसी के साथ ये सीरीज खत्म हुई थी। एक्चुअल में ये मूवी 2016 में रिलीज हुई है। इसके शायद नेक्स्ट पार्ट ना आए, इसी वजह से पूरी स्टोरी मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।